निग्रस नगर पालिका शताब्दी महोत्सव का रविवार को उद्घाटन हुआ। इस मौके पर मान्यवरों के हाथों नर्सरी कक्षा का उद्घाटन, वृक्षारोपण सहित दानदाताओं का भी सत्कार किया गया। दिग्रस नगर पालिका ने अपने स्थापना के 100 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर रविवार 7 जुलाई को दिग्रस नगर पालिका शताब्दी महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान दिग्रस नगर पालिका उर्दू शाला क्रमांक 1 में नर्सरी कक्षा का उद्घाटन पूर्व नगर अध्यक्ष विजय कुमार बंग के हाथों किया गया। गौरतलब है कि भारत महेंद्र पाटिल के योगदान से इस नर्सरी कक्षा का नूतनीकरण किया गया है। इसके अलावा मंगेश दुद्दलवार, एडवोकेट साजिद वर्षानी, एडवोकेट फरहाद वर्षानी, पूर्व नगर अध्यक्ष श्याम पाटिल ने भी पालिका स्कूलों की कक्षाओं के नूतनीकरण का जिम्मा उठाया है। दिग्रस नगर पालिका को 100 साल पूरे हो गए हैं। यह वर्ष शताब्दी महोत्सव करके मनाया जा रहा है। चीफ ऑफिसर मडावी मैडम के कार्यकाल में यह संपन्न हो रहा है। यहाँ पर ये जो नगर परिषद की जूनी जो बिल्डिंग है, यहाँ पर पहले प्राइमरी स्कूल हुआ करती थी। ये प्राइमरी स्कूल स्वर्गीय मोतीराम जी दादा पाटिल के नाम से है और उसी का आज नूतनीकरण करके उसी का आज यानी इनॉग्रेशन हुआ है। ये शताब्दी महोत्सव शताब्दी वर्ष को मैं शुभकामना देता हूँ, शुभेच्छा देता हूँ। नर्सरी कक्षा के उद्घाटन के बाद स्कूल परिसर में मान्यवरों ने वृक्षारोपण भी किया, जिसके बाद बापूनगर में स्थित जीजाऊ मंगल कार्यालय में दिग्रस नगर पालिका शताब्दी महोत्सव कार्यक्रम संपन्न हुआ, जहां मान्यवरों ने नगर पालिका के लोगो यानी चिन्ह का अनावरण किया। वहीं पूर्व नगर अध्यक्षों सहित कबड्डी खिलाड़ियों और पालिका के स्कूलों के नूतनीकरण में आर्थिक रूप से मदद देने वाले मान्यवरों का भी सत्कार किया गया। मुख्याधिकारी माधुरी मड़ावी ने दिग्रस नगर पालिका के बीते 100 वर्षों की विभिन्न उपलब्धियों पर अपने प्रस्ताविक भाषण में प्रकाश डाला। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम में पालक मंत्री संजय राठौड़ बतौर उद्घाटक के तौर पर और नवनिर्वाचित सांसद संजय देशमुख प्रमुख अतिथि के तौर पर आमंत्रित थे। उन्हें इसके बारे में पहले ही जानकारी दी जा चुकी थी। बावजूद इसके इन दोनों नेताओं ने इस कार्यक्रम से पीठ फेर ली है। इन दोनों की अनुपस्थिति कई तरह के सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि इनमें से किसी को भरे मंच से अवैध कारोबारियों के विवादित मामलों पर अपना प्रखर विचार रखने की फुर्सत है, किसी को आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर घर घर जाकर लोगों से मिलने की फुर्सत है, जीआर का हवाला देकर समर्थकों के जरिए कब्रस्तान आरक्षित भूमि अधिग्रहण की अधिकृत घोषणा करने का समय भी इनके पास है, और बात अगर दर्जन भर कार्यकर्ताओं के पक्ष प्रवेश की होती तो शायद ये बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते, या फिर पालिका चुनाव में अपना पैनल लड़ाना होता तब भी ये जान की बाजी लगा देते। लेकिन दिग्रस नगर पालिका शताब्दी महोत्सव के आयोजन कार्यक्रम में शहर के गरीब नागरिकों के बच्चों के लिए शुरू किए गए पालिका स्कूल के नर्सरी के नूतनीकरण जैसे बेहद पवित्र कार्य में उपस्थित रहने के लिए इनके पास जरा भी समय नहीं है और न ही फुर्सत है। ये दिग्रस नगर पालिका और दिग्रस शहर के लिए बड़े ही अफसोस की बात है। इन बीसीएन न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान।